हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ। इसके लिए आपको मोबाइल के गूगल में जाना है और एम्स लिखकर सर्च कर लेना है। ऊपर ही ऊपर एम्स की जो साइट खुलने वाली है उसको ओपन नहीं करना है। ये एम्स की साइट है www.emsexams.org। नीचे जो दूसरी साइट ओपन दे रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज www.ems.edu, इस साइट को आपको ओपन कर लेना है। ये वैकेंसी यहीं मिलने वाली है। अपने साइट को ओपन कर लिया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। वैकेंसी है वो नोटिस में मिलने वाली है, तो नोटिस पे अपने क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही आप नोटिस पे क्लिक करोगे अपने सामने जो नोटिस है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो नोटिस है, नोटिस गजेटेड नोटिस और रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई देने वाली है जो लिखा हुआ आ रहा है एम्स रिक्रूटमेंट, एम्स रिजल्ट और आर्काइव रिक्रूटमेंट। तो आपको एम्स रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर देना है। ये एम्स रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर दिया, ये वैकेंसी जो लेटेस्ट निकली है वो आ गई है। ऊपर ही ऊपर आ रहा है कि एम्स नई दिल्ली में सहायक आचार्य तथा नर्सिंग व्याख्याता के 166 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति। तो इसको अपने को ओपन नहीं करना है, ये नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, नर्सिंग के लिए है लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत हाई है। इसके अलावा नीचे जो चार नंबर पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इस एडवर्टाइजमेंट की अपने बात करने वाले हैं। पहली बात, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाली वैकेंसी है और एम्स की जो रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। और जो डेट है वो 30/4 को वैकेंसी आई है और 18/5/2019 को लास्ट डेट यहाँ पे होने वाली है। इसको ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गई है और पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है, क्लोजिंग डेट वो बता दी है। और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके डाउनलोड पे और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसमें दिया गया है और कितनी पोस्ट है एम्स की वैकेंसी, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। ये वैकेंसी आ गई है फ्रेंड्स। बुरी बात यह है कि ये वैकेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक ही है, पोस्ट है नर्स की। तो एम्स की वैकेंसी है इसलिए बता दिया है, वीडियो बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि चाहे कितनी वैकेंसी है सर आप तो वीडियो बनाया करें। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इजी कैंडिडेट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट इंटाइल्ड फेज सेकंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एपिलेप्सी न्यू दिल्ली की ये वैकेंसी हो गई है। और कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो यहाँ पे 3 साल का होने वाला है। अच्छा है, सैलरी एज पर ICMR गाइडलाइन एम्स की सैलरी अच्छी सैलरी होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे लिखा गया है कि जो GNM और BSc नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन एम्स की जो वैकेंसीज होते हैं उनमें GNM के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है 2 या 3 साल का, लेकिन यहाँ पे किसी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है। ए ग्रेड नर्स के रूप में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज है वो 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है और ओनली शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करेंगे ये कोई भी सूचना इसमें दी गई नहीं है। अप्लाई किस तरह से करना है, वेरी सिंपल है। ये आपको यहाँ पे घेरे में एक मेल आईडी दिखाई दे रही है, इस मेल आईडी पर आपको अपना लेटेस्ट रिज्यूम बनाकर सेंड कर देना है। आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपके पास कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा या मेल के द्वारा आपके पास सूचना आ जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका एम्स में नौकरी करने का सपना है वो सफल हो सकता है। इस ईमेल आईडी पर ही आपको अपना रिज्यूम है वो सेंड करना है। किसी टाइप का TA और DU है वो इस वैकेंसी में इंटरव्यू देने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो। थैंक यू फ्रेंड्स।